मैथमेटिक्स। देखिए आज आप लोग क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है हमारा डाटा हैंडलिंग। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझाएंगे कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है। देखिए स्टैटिक्स इज द प्रोसेस, स्टैटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग फैक्ट्स फ्रॉम न्यूमेरिकल्स डाटा। जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, जो हमें न्यूमेरिकल डाटा दिया जाता है, न्यूमेरिकल डाटा जो गिवन होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं। इट इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ द डाटा, और इस डाटा को इंक्लूड करते हैं इस कलेक्शन को द डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा होता है, जो इंटरप्रेजेंटेशन करना होता है और हमें डाटा प्रेजेंटेशन करना होता है, उसी को हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। सो दैट इज लाइक दिस इज एग्जांपल। देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेट द मार्क्स, मार्क्स दिए, मान लीजिए लेट द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स दिए हैं 8 क्लास में, इन ए प्रोडक्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया है। बी 26 डाटा, उसका डाटा 26 है। इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, और उनकी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी टेबल है। आल्सो फाइंड इट्स रेंज, उनकी रेंज क्या है, रेंज हमें फाइंड करनी है। सो दैट इन दिस एग्जांपल और सॉल्व, से हम सॉल्व करें, से हम जब सॉल्व करेंगे, हमें डाटा दिया है 09, क्या दिया डाटा, रेंज द गिवन, रेंज द गिवन, रेंज द गिवन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ये हमें डाटा दिया है, ये हमें क्या दिया है, ये अरेंज द गिवन फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर। जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में। पुट की हमने 09 11 11 11 11 कॉमा 13 18 कॉमा 20 कॉमा 21 कॉमा 21 कॉमा 22 कॉमा 23 कॉमा 23 कॉमा 23 कॉमा 23 कॉमा 26 26 कॉमा 26 ये आपको डाटा दिया 29 कॉमा 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, और हमारे एग्जांपल में कितने स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट, तो 20 स्टूडेंट दिए थे हमें, ये हमारे 20 स्टूडेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर है, सो दैट लेट, मान लीजिए लेट अस ग्रुप, इसको हम ग्रुप को लेते हैं, द गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा इन दिस क्लास, अब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए इसका एक टेबल है और इसको हम टेबल को बनाएंगे, गिवन ग्रुप, गिवन ग्रुप is the intensity table, जो इसकी frequency table है, और इस table को हम इस प्रकार बनाएंगे, देखिए किस प्रकार बना रहे हैं, marks of obtain, इसको लिख दीजिए क्लास इंटरवल, क्लास वन, यार टैली मार्क्स लिख दिए, इस टेबल में टैली मार्क्स लिख दीजिए, यहाँ लिख दिए फ्रीक्वेंसी, ओके ये हमारी टेबल है, इस प्रकार से जो टेबल बनाएंगे इस प्रकार से आप टेबल को बनाना होगा, से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें टेबल में दिया गया है, इस प्रकार से लेंगे हम, पहले लिए जीरो से फाइव, जीरो से फाइव को ये इसमें इसमें मार्क्स ऑब्टेन जो हमने प्राप्त किए मार्क्स किए हैं, यहाँ जीरो से फाइव लेंगे, और जीरो से फाइव में क्या है, कुछ है हमें तो पूरी दिखा दे रहे हैं, जीरो नाइन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जीरो नाइन से स्टार्ट हुआ है, तो इसका टैली मार्क कुछ होगा ही, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो,
जब 0 से 5 तक कोई अंक है नहीं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखते हैं 5 से 10, 5 से नंबर सेकंड लेते हैं, 5 से 10 यानी 5 से 10 कितना हमारे पास, मतलब अरेंज जो फ्रीक्वेंसी दी है कितनी है 5 से 10, ये तो ये इसको देखिए 5 से 10 का नंबर वन आ रहा 9, इसका आ जाएगा टेली मार्क 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1। जब हमारे पास 0 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसको और कोई अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा और कोई आपको डिजिट है नहीं, हमारे पास 9 डिजिट है वो कितनी है 1 है। अब देखिए 0 से 5 हो गया कुछ नहीं, तुम्हारे पास 10 बार जो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, 5 से 10 तक हमारे पास केवल ओनली 1 दिया गया है, और अब ले हम 10 से 15 तक, 10 से 15 तक लेंगे, 10 से 15 तक देखिए, 10 से 15 नंबर थर्ड में, अब देखिए 10 से 15 तक एक 1 2 10 से 15 1 2 3 4 5 ये हमारे 10 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5, तो इसका हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 होगी, 10 से 15 तक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5 होगी। जब फ्रीक्वेंसी 5 होगी तो 10 मार्क्स कितना होगा 5 होगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 ये हमारे 10 मार्क्स में कितने हुए 4 हुए, और जब 4 हुए तो फिर तो वहाँ वहीं से होगा, इस प्रकार से हम क्रॉस कर देंगे, ये कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका टैली मार्क इस प्रकार से दर्शाएंगे जो आपका टैली मार्क्स 5 दे रहा है। नेक्स्ट ऐसे हम नेक्स्ट एडवांस चलते हैं, देखिए और भी आगे हो गए हैं हमारे पास क्वेश्चन, बस ये क्लिक कर रहे हैं, तो ये भी साफ करना ही है, तो भी क्लिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन दिया ही है आपको। क्वेश्चन में मैं ये हमें खंड हो गया 10 से 5 तक, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 10 से 15 तक, अब हम लेंगे 15 से 20 तक, जब 15 से 20 तक लेंगे तो हमारे कितने मार्क्स आएंगे, उसमें हमने आपको नोट करा चुके हैं, इसमें 10 15 से 20 तक लेंगे तो उसमें हमारे मार्क्स कितने हैं 1 मार्क्स आएगा, इसमें कितना आएगा 1 1 ओनली 15, तो उसका टैली मार्क्स क्या होगा 1 होगा, अगला होगा 1। अब लेते हैं 20 से 50 नंबर 5 में, 20 से 25 तक ले लीजिए, 25 तक, और जब 25 तक लेंगे तो हमारे कितने 7, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 7 होगी, इसका टेल मार्क क्या होगा 1 2 3 3 4 5 6 7, ये आपका टेल मार्क कहलाएगा, और नंबर 6 में हम लेंगे 25 से 30 का। इसमें हम क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें कितने हमारे मार्क्स आएंगे 25 से 30 तक में देखेंगे, इसमें 6 मार्क्स के आएंगे, कितने आएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी, इसको हो जाएगा टेल मार्क 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपकी ये टेबल कंप्लीट होती है, और इस कंप्लीट टेबल को अब आप सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कीजिए, वन फाइव सिक्स वन सेवन सेवन और सेवन फोर्टीन फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी, हमारे इस क्लास में स्टूडेंट कितने थे 14।
वैकेंसी है ये है आपकी 7 और इसमें से 7 वैकेंसी इसकी आ रही है 1 2 3 4 इसके अंदर आ रही है 15 से 20 तक 20 तक आ रही हाईएस्ट वैकेंसी है 7 और किसके में आ रही है नंबर 4 एकदम आ रही है इस पर सॉरी 20 से 25 तक जो इसमें हाईएस्ट मार्क्स है हमारे कितने हैं 7 है और लोएस्ट कितने हमारे पास लोएस्ट देख फ्रीक्वेंसी कितनी इनकी 0 सबसे 0 फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए हाईएस्ट में हमारे हाईएस्ट जो मार्क्स हैं ये कहलाएंगे आपके और उसमें दिए गए हैं इसमें ये तो आपकी इसमें जो क्वेश्चन दिया है तो लेंगे गिवन दिस हेंस इज इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कहते हैं उच्च सीमा और लोएस्ट कहते हैं निम्न सीमा निम्न उच्च सीमा कहते हैं हाईएस्ट कॉमन को हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स थे हमारे उसमें कितने थे हमारे हाईएस्ट मार्क 30 और लोएस्ट मार्क हमारे 9 30 में से 9 माइनस 9 करेंगे तो इक्वल टू 21 तो ये आपकी रेंज फाइंड हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सो दैट इसको क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं थोड़ा और इसके लिए लेसन करा देते हैं गिवन ग्लो इज द फ्रीक्वेंसी टेबल जो फ्रीक्वेंसी टेबल है हमारी ये इसमें दिया है मार्क्स ऑफ ऑब्टेंड क्लास इंटरवल जो क्लास का इंटरवल दिया है वो हमने ऑब्टेंड मार्क नोट कर दिया है और इसका नंबर सेकंड पार्ट है टैली मार्क्स और थर्ड पार्ट है फ्रीक्वेंसी जो हमने क्वेश्चन आपको नोट कराया है एग्जांपल नोट कराया उसी में दिए से निकाला हमने इसको हमने मान लिया कि 0 से 5 तक कितने अंक सा 0 से 5 तक डिजिट के अंक कितने हैं और उसमें डिजिट कोई नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी 0 फ्रीक्वेंसी होगी और नंबर 2 में 5 से 10 तक उसके डिजिट कितने हैं 1 डिजिट होगा अगर इसका 1 डिजिट है तो फ्रीक्वेंसी क्या है 1 तो इसका टैली मार्क्स क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा और इसकी नंबर 3rd में 10 से 15 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 मतलब फ्रीक्वेंसी भाग कर इसका टैली मार्क्स क्या होगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा और नंबर 4 में 15 नंबर 4 में 15 से 20 तक इसमें कितने कितनी फ्रीक्वेंसी 1 इसका टैली मार्क्स क्या होगा 1 होगा और 20 से 25 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है 7 तो इसका टैली मार्क्स क्या होगा ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 25 से 13 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 तो इसका टैली मार्क क्या है 1 2 3 4 5 6 और इसकी ऐड किया हमने टोटल स्टूडेंट कितने आए हमारे 20 और 20 इसको जो उसको रेंज का फार्मूला होता है रेंज का फार्मूला हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा उसकी उच्च सीमा हमारी कितनी है 30 है और इसकी लोएस्ट सीमा थी वो हमारी 09 थी और 09 को जैसे 30 में से माइनस 9 माइनस किया तो इक्वल टू 21 दैट इज सॉल्व आंसर थैंक यू